नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आपने कुछ वीडियोस देखे हैं मेरे, अगर आपको वो पसंद आए हैं तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि समय समय पर आपके समक्ष नए नए वीडियोस आते रहें। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो का जो टॉपिक है वो है राइट्स ऑफ द अरेस्टेड पर्सन। देखिए, अरेस्ट होना कानून में, किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है अगर उसके ऊपर कोई एलिगेशंस लगी हो। इवन संदेह के आधार पर भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है। देखिए, अरेस्ट होना और कन्विक्शन होना मीन्स दोष साबित होने में बहुत डिफरेंस होता है। अरेस्ट किसी भी व्यक्ति को किया जा सकता है अगर किसी के ऊपर एलिगेशंस लगी हो, चाहे वो 498 की हो, ए की केस की हो, चाहे वे और भी किसी केस की जो कि कॉजनेबल ऑफेंस किया हो, क्योंकि एलिगेशंस लगी हो, तो उसके आधार पे पुलिस की पावर होती है उस व्यक्ति को अरेस्ट करने की। तो दोस्तों, अब अरेस्ट होने के साथ साथ जो हमारा जो लॉ ऑफ क्रिमिनल ज्यूरिसप्रूडेंस भी ये भी कहता है कि एवरी पर्सन इज प्रज्यूम टू बी इनोसेंट टिल ही इज प्रूवन गिल्टी बाय द लॉ। एवरी अक्यूज्ड इज प्रज्यूम टू बी इनोसेंट। तो जिस पे कोई एलिगेशंस लगी हो, कानून उसे बेगुनाह मानता है जब तक उसका दोष साबित ना हो जाए। तो दोस्तों, अब उसके जो अरेस्टेड पर्सन की जो कई जो सेफगार्ड्स भी बनाए हुए हैं, हमारे जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में संशोधन हुआ है 2009 में, तो इसमें राइट्स अरेस्टेड पर्सन के काफी राइट्स हैं। आइए हम उस सारे राइट्स को जानने की कोशिश करते हैं। तो ये टॉपिक है राइट्स ऑफ द अरेस्टेड पर्सन। तो हम इसको थोड़ा सा हम जानते हैं कि क्या होते हैं अरेस्टेड पर्सन के राइट्स। तो आइए हम उसके बारे में थोड़ा सा एक-एक करके जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला जो इंफॉर्मेशन है, पहला राइट है राइट टू नो। आइए हम इसका क्रिमिनल ज्यूरिसप्रूडेंस के हिसाब से, सॉरी, जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के हिसाब से इसके जानने की कोशिश करते हैं। राइट टू नो क्या क्या मतलब? देखिए दोस्तों, ये अमेंडमेंट हुआ था, अगर आप इसे देखें, जो ये अमेंडमेंट हुआ था वो हुआ था सेक्शन जो 41 जो बी है, और ये 41C जो है, और ये 41D है, ये सारे 2009 में अमेंडमेंट हुए थे, उसमें ये सेक्शन इंसर्ट कर दिए गए थे। तो पहला है, हम देखते हैं राइट टू नो। राइट टू नो में देखिए, अब सेक्शन 41B जो है वो खुद ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसमें क्या लिखा है, देखिए, पावर ऑफ द अरेस्टेड अरेस्ट एंड द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिसर मेकिंग द अरेस्ट। एवरी पुलिस व्हाइल मेकिंग एन अरेस्ट शैल बियर एन एक्यूरेट विजिबल एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिज नेम विच विल फैसिलिटेट एनी विच फैसिलिटेट फैसिलिटेट ईजी आइडेंटिफिकेशन। तो मीन्स आप जो अक्यूज पर्सन का जो होगा वो राइट टू नो होगा, कि अक्यूज पर्सन के जानने का अधिकार होगा कि जो जो पुलिस ऑफिसर जिसे जिसे वो अरेस्ट की जिसके द्वारा वो अरेस्ट की हो रहा है, वो जो पुलिस ऑफिसर का नाम आइडेंटिफिकेशन क्या है, उसे उसके बारे में उसके राइट टू नो जो है वो मतलब राइट टू नो जो जो राइट है वो बन रहा है। अब दूसरा हम चलते हैं, वो है राइट टू अ मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट। देखिए, ये जो सेक्शन 41B का जो पोर्शन है, पहले हम इसमें देख लेते हैं, इसको हम लिखते हैं राइट टू नो, हमें पता चल गया। अब हम चलते हैं राइट टू मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट। आइए हम इस सेक्शन के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं क्या होता है राइट टू मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट। देखिए, साथ में पहला जो पॉइंट ये लिखा था, एवरी पुलिस ऑफिसर व्हाइल मेकिंग एन अरेस्ट शैल, बी पोर्शन को देखिए, बी प्रिपेयर अ मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट विच शैल बी अटेस्टेड बाय एटलीस्ट वन विटनेस हु इज द मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द पर्सन अरेस्टेड और रिस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ द लोकेलिटी वेयर द अरेस्ट इज मेड countersigned by the person arrested। तो देखिए, राइट टू अ मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट भी क्लेरिफाई हो गया, मींस किसी व्यक्ति को अगर अरेस्ट किया जा रहा है उसका राइट होगा राइट टू द मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट। इसमें क्या होगा, जो पुलिस होगी वो एक विटनेस जो कि जो फैमिली मेंबर होगा उसका, जो मान लीजिए घर से अरेस्ट करती है, तो उसके फैमिली मेंबर्स जो होंगे वो उस पर हस्ताक्षर करेंगे, या अगर कोई फैमिली मेंबर ना हो तो कोई भी रिस्पेक्टेबल पर्सन लोकेलिटी के होंगे वो आके मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट पे हस्ताक्षर करेंगे। दूसरा, काउंटर साइंट
जो व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है उसके भी काउंटर सिग्नेचर होंगे जो मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट जो पुलिस प्रिपेयर करेगी। तो देखिए दो पार्ट पोर्शन क्लियर हो गए, राइट टू नो और दूसरा हो गया राइट टू द मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट। आइए हम तीसरे को देखते हैं क्या है। तीसरा जो है राइट टू इन्फॉर्म अ फ्रेंड, ये भी इसी इसमें इसी से हम इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं। ये कहां है लिखा है, देखिए ये भी इसी भी सेक्शन में ही मेंशन किया हुआ है, इसी सेक्शन में लिखा हुआ है। पोर्शन जो है सी पे देखिए, एवरी पुलिस ऑफिशियल व्हाइल मेकिंग एन अरेस्ट शैल, आगे क्या आ गया है, इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्टेड अनलेस द मेमोरेंडम ऑफ द अरेस्ट बाय द मेंबर ऑफ फैमिली दैट ही हैज द राइट टू हैव अ रिलेटिव और द फ्रेंड नेम्ड बाय हिम टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ हिज अरेस्ट। तो देखिए तीन पोर्शन जो है वो क्लियर हो गए, एक तो हो गया पहला राइट टू नो, दूसरा राइट टू द मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट, तीसरा राइट टू इन्फॉर्म अ फ्रेंड। ये तीन पोर्शन जो है वो क्लियर हो गए हमारे। देखिए ये काफी ज्यादा एकेडमिक क्वेरी भी है और ये हमारे राइट्स भी हैं जो पुलिस ऑफिसर किसी का भी अरेस्ट करते हैं। तो अगला है राइट टू हैव एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस, आइए देखते हैं ये कहां पे लिखा है। राइट टू हैव एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस, आइए हम इसको देखते हैं कौन से एक्ट में कहां लिखा हुआ राइट टू हैव एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस। ये देखिए यहां पर है 41D पे ये लिखा है राइट ऑफ द अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटरोगेशन when any other person is arrested and interrogated by the police he shall be entitled to meet an advocate of his choice during interrogation though not throughout the interrogation। अगर कोई पुलिस तफ्तीश करती है उस किसी व्यक्ति को इंटेरोगेट करती है तो व्यक्ति वह व्यक्ति चाहे तो अपने एडवोकेट को बुला सकता है, उनकी प्रेजेंस में अपनी जो भी जो इंटेरोगेशन है वो करवा सकता है। लेकिन साथ में ये भी लिखा है वो पूरी इंटेरोगेशन में एडवोकेट को साथ रहना साथ नहीं रह सकते हैं, पूरे एडवोकेट जो है वो पूरी इंटरोगेशन में साथ नहीं रह सकते हैं। लेकिन जब इंटरोगेशन हो रही है तो वो चाहें तो अपने एडवोकेट को बुला सकते हैं ताकि उनके समक्ष जो है जो इंटरोगेशन की जा सके। आगे अगला हम देखते हैं वो क्या है, राइट टू द मेडिकल एग्जामिनेशन, ये कहां लिखा है ये भी हम देखते हैं। राइट टू मेडिकल एग्जामिनेशन कहां है, ये सब हमें जो है सीआरपीसी के अंदर ही अवेलेबल मिल जाएंगे इसमें। तो आइए हम देखते हैं सेक्शन जो है 54 पे आ गया, ये अभी देखिए टी आ गया 53 50। देखिए पहले तो था राइट टू एग्जामिनेशन ऑफ द अक्यूज बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर जो कि सेक्शन 53 में था। अब जो है वो एक सेक्शन एक और इंसर्ट किया, मतलब अमेंड किया है, ये देखिए 2009 में इसमें लिखा हुआ है राइट एग्जामिनेशन ऑफ द अरेस्टेड पर्सन बाय द मेडिकल ऑफिसर व्हेन एनी अदर पर्सन इज अरेस्टेड ही शैल बी एग्जामिन्ड बाय द मेडिकल ऑफिसर इन द सर्विस ऑफ द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट and in case the medical officer is not available by the registered medical officer practitioner soon after the arrest is made provided that the arrested person is female the examination of the body shall be made by or other the supervision of the female medical officer in case of the female medical officer is not available by the female registered medical practitioner। So, dekhiye ये जो है ये सारे सेक्शन में जो ये हमारा क्लियर होता है ये बाकी कि कोई भी व्यक्ति अगर जब अरेस्ट होता है तो उसको जो है मेडिकल एग्जामिनेशन का भी कराने का अधिकार है कि वो भी उसका जो होगा मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। आगे हम देखते हैं आगे क्या कौन सा राइट बचता है आगे। आगे बनता है हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द अरेस्टेड पर्सन, देखिए
राइट टू हेल्थ एंड सेफ्टी। तो ये हमारे सारे राइट्स बनते हैं, इसमें भी एक बार देख लेते हैं, राइट टू हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द रेस्टेड पर्सन। देखिए ये भी 2009 में अमेंड किया गया था, अगर हम इसके सेक्शन को अगर बारीकी से देखेंगे तो ये 2009 में इन एक्ट 5 ऑफ 2009 विद इफेक्ट फ्रॉम 31/12/2009। तो देखिए ये इसमें क्या है कि इट इज शैल बी द ड्यूटी ऑफ द पर्सन हैविंग द कस्टडी ऑफ एन अक्यूज्ड टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द अक्यूज्ड। मान ली कोई व्यक्ति जो है वो अगर अरेस्ट करते हैं किसी को, जैसे कोई पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट करते हैं, तो उनका अधिकार वो उन्हीं को उनकी जो हेल्थ एंड सेफ्टी का भी ख्याल रखना होगा ताकि उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी भी मतलब जो है अफेक्टेड ना हो। तो आइए तो देखिए तो ये सारे हमारे जो राइट्स हैं, जो अगर कोई किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो ये सारे उनके राइट्स हैं। राइट टू नो, राइट टू मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट जो एक्सप्लेन किया था, राइट टू द इन्फॉर्म अ फ्रेंड, राइट टू हैव एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस, राइट टू द मेडिकल एग्जामिनेशन, राइट टू हेल्थ एंड सेफ्टी। उम्मीद है ये शॉर्ट वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो कृपया इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि समय समय पर आपके समक्ष नए नए वीडियोस लाते रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।